In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear students of ADP, Assalamu alaikum. प्यारे बच्चों, ADP जाहिर है आप लोग यकीनन ये एक डेढ़ माह से सुन रहे हैं ये लफ्ज एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के क्या है, और इसमें इंग्लिश के हवाले से आप लोगों ने क्या स्टडी करना है। आप लोगों के लिए नया है, रिवायत से हटकर है, क्योंकि आपके जहन में होता था कि इस फलां बुक होगी हमने वो पढ़ लेना है, फर्स्ट ईयर में जैसे आपने पढ़ा, सेकंड ईयर में जैसे पढ़ा, जी चलो जी मैंने ये बुक ले ली, ये टेक्स्ट बुक ले ली है इंग्लिश की, और इसको मैंने फलां की बुक के ज़रिए मैंने पढ़ लिया, कुछ गाइडलाइन ले ली, कुछ टीचर ने हमें बता दिया। यानी आप एक अपनी एक ट्रैक सा बना लेते हैं पढ़ाई के दौरान, क्लास में जैसे फर्स्ट ईयर की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं और चैप्टर बुक वन ही ले लें, बुक वन और चैप्टर वन। क्लास में टीचर आए, उन्होंने आपको इंग्लिश में वो जो लेसन है वो पढ़ाया, सेंटेंस पढ़ाए, साथ साथ ट्रांसलेशन कर दी, फिर क्या हुआ, ट्रांसलेशन सुन ली आपने, टीचर ने आपसे मज़ीद टेंस वगैरह कभी उसके आगे फिर एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिए गए, आपने मज़ीद कोई और अपने तौर पर अगर कोई हेल्पफुल चाहिए आपने वो पढ़ ली, कोई हेल्पिंग हैंड, इसलिए होता है कि किसी और से भी गाइडलाइन ले ली आपने, इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, कुछ बच्चे अपने मार्क्स को बेहतर करने के लिए वो दो दो तीन तीन बुक्स भी कंसल्ट कर लेते हैं, खैर वो एक अलग बहस है। अब ADP में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने मुझे वो क्वेश्चन किया सर ADP की बुक्स बता दें, बेटे बुक्स नहीं होती, टॉपिक आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, HECC की तरफ से प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं, आप उनकी जो तजावीज़ हैं कि आपने ये चीज़ें पढ़ानी हैं, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, ये टॉपिक हैं, आप उन बच्चों की उस लेवल पर गाइडलाइन दें। फिर उसके आखिर में बहुत सारी रिकमेंडेड बुक्स भी हैं, कोई टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएगा, कोई उस बुक में मिल जाएगा, कोई इसमें, तो इस तरह से मुख्तलिफ तीन चार बुक जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उससे हमें वो अपनी हेल्प अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी ने फर्दर ये भी बता दिया है कि उसमें कंसर्न क्या है, उससे रिलेटेड क्या है। आपने जो इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक यूनिवर्सल ब्रांड लैंग्वेज है, हम ये नहीं कह सकते कि सारी इंग्लिश पढ़नी है। आपको उसमें इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, इंग्लिश का फंक्शनल होना और किस हद तक आप इंग्लिश को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं और किस हद तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये है मेन मकसद, ताकि आप आगे जिस सब्जेक्ट में भी BS करना चाहेंगे वहाँ आपकी स्टडीज इंग्लिश में, आपने जो कुछ भी लिखना है वो भी इंग्लिश में, हत्ता के आप वहाँ रिसर्च करते हैं अपने टॉपिक अपने सब्जेक्ट में, रिसर्च करते हैं, आप थीसिस करते हैं, आप MS करते हैं, ये वहाँ आपको रहनुमाई देंगे, आपको फिर इतना आ जाएगा। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप आने वाली उन लेवल्स पर आप जो बुक्स लिखें, जो जर्नल्स लिखें, जो आप ट्रिटाइज लिखते हैं, जो आप अपने फिलोसफिकल आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं रिटन फॉर्म में, तो उनमें इंग्लिश
इंग्लिश में ही लिखी जाएगी, उसमें आपकी कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक एरर ना हो। ये है बुनियादी मकसद, ताकि आप अगर फॉरेन स्टडीज भी करते हैं तो उस फॉरेन स्टडीज में भी आपके लिए ज़्यादा एक्सप्रेसिव एक मीडियम जो होना चाहिए वो इंग्लिश ही हो, ताकि जो बाहर के आपके टीचर जो हैं फॉरेन टीचर्स हैं वो भी आपसे अगर कोई बात करते हैं तो यू कैन रिस्पॉन्ड देम पॉजिटिवली इन इंग्लिश। यू कैन ऑल्सो लर्न देम थ्रू इंटरनेशनल लेवल। सो डियर स्टूडेंट, डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत हारे, मत ऐसा सोचें कि जी हमें कुछ नहीं, सारे सारे आप वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पहले आपके सेमेस्टर में उन्होंने कंसर्न दिया है स्ट्रक्चर पर, इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है कि अब आप परेशान ना हो कि स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ इसमें बेटे दो तीन मानी आम मानी आपको पता ही है कि बनावट साख्त किसी चीज़ की, कंस्ट्रक्शन लेवल। यहाँ मुराद है हमारी लैंग्वेज का बनना पढ़ना समझना। वो कैसे आप समझ रहे हैं, ये फिक्रा कैसे बोल रहे हैं, कैसे आप कोई एक सेंटेंस बना सकते हैं, लिख सकते हैं, सेंटेंस के कंटेंट्स क्या हैं, सेंटेंस के किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी कौन कौन से हैं, इन तमाम चीज़ों को समझना है। मज़ीद मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से कल बताऊँगा बेटे। स्टे ब्लेस्ड, अपने आप को महफूज रखें, अल्लाह दुआ भी किया करें अल्लाह ताला हमें इस कोरोना पेंडेमिक से लड़ने ही की सलाहियत और ज़्यादा जज्बे के साथ, ना सिर्फ ये सलाहियत अदा करें बल्कि हमें मुकम्मल तौर पर माशी सियासी हर किस्म का इस्तेहकाम अता फरमाएं। और बेटे, बी पाकिस्तानी एंड टू प्राउड टू बी पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज़।